हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद दाऊद खान। तो आज हम लेसन करने वाले हैं फ्रेट बोर्ड ऑफ द गिटार, सो लेट्स गो। छह स्ट्रिंग्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6। पहली स्ट्रिंग का नाम है ई ओपन, देन बी ओपन, जी ओपन, डी ओपन, ए ओपन एंड ई ओपन। ठीक है, तो किसी भी म्यूजिक में, चाहे वो हिंदुस्तानी म्यूजिक हो या वेस्टर्न म्यूजिक हो, 12 नोट्स होते हैं। अभी हम गिटार की बात करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, देन अगेन ए बी सी डी ई एफ जी, देन अगेन ए बी सी डी ई एफ जी। ये एक सर्किल है जो घूमता रहता है, ठीक है, म्यूजिक में। मैं सिर्फ म्यूजिक की बात कर रहा हूँ अभी, ओके। लेकिन ये कितने हो गए, 7 नोट्स हो गए, 7। अब हम ए के बाद बी, ए और बी के बीच में आएगा ए शार्प, ए ए शार्प, बी, बी का कोई शार्प नहीं होता, बी के बाद सीधा सी आता है, सी, देन सी शार्प, देन डी, डी शार्प, ई, एफ, ई का भी कोई शार्प नहीं होगा, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, देन अगेन ए। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमको ए से ही स्टार्ट करना है, हम ई से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारी पहली स्ट्रिंग है ई, तो मैं यहाँ से ई से स्टार्ट करूँगा, ई ओपन, देन ई के बाद क्या आएगा, एफ, एफ के बाद एफ शार्प, जी, थर्ड फ्रेट हमारा हो गया जी, जी शार्प, फिर ए, ए शार्प, बी, सी, बी का कोई शार्प नहीं है, बी के बाद सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, देन अगेन ई, ई से स्टार्ट किया, ई पे ख़त्म। 12 फ्रेट्स इसमें यूज़ हुए, ठीक है, 12 नोट्स हैं तो 12 फ्रेट यूज़ होंगे। ठीक है, अब हम दूसरी स्ट्रिंग पे आ गए, दैट इज़ बी, ई के बाद बी स्ट्रिंग, बी ओपन, बी का कोई शार्प नहीं, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, ई का कोई शार्प नहीं है, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, बी से स्टार्ट हुए थे, बी पे आ गए, खत्म। अगर हम इसके आगे जाएंगे तो वहीं से स्टार्ट होगा, बी, सी, सी शार्प, वही सर्किल घूमता रहेगा। ठीक है, ऐसी थर्ड स्ट्रिंग में, थर्ड स्ट्रिंग कौन सी थी हमारी, जी ओपन, जी के बाद क्या आएगा, जी शार्प, सॉरी जी शार्प, जी शार्प के बाद ए, ए के बाद ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प के बाद फिर वही चलता रहेगा जो हमने फर्स्ट फ्रेट पे स्टार्ट किया था। फोर्थ वाली स्ट्रिंग पे आ गए, फोर्थ वाली स्ट्रिंग है हमारी डी, डी के बाद डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी से स्टार्ट हुए थे, डी ओपन और ये डी। ठीक है, डी के आगे जाऊंगा तो फिर क्या आएगा, डी शार्प, फिर ई आएगा, ऐसे आगे चलता रहेगा, एक सर्किल घूमता रहेगा। फिफ्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग क्या थी, ए, ए के बाद क्या आएगा, ए शार्प, ए शार्प के बाद बी, बी का कोई शार्प नहीं होता, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, ई का कोई शार्प नहीं है, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए से स्टार्ट हुए, ए पे ख़त्म, फिर आगे वहीं से स्टार्ट होगा। फिर लास्ट स्ट्रिंग, सिक्स्थ स्ट्रिंग, जो फर्स्ट स्ट्रिंग के नोट्स थे वही सिक्स्थ स्ट्रिंग के नोट्स होंगे। ठीक है, ई ओपन, देन एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, देन ई, ई ओपन से स्टार्ट हुए, ई पे ख़त्म हो गए, फिर आगे वही चलता रहेगा।
तो दोस्तों ये था फ्रेट बोर्ड, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय दोस्तों।